हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जूल्स क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट साइंस ऑफ क्लास 8, चैप्टर 3, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, वीडियो पार्ट 1। एंड टुडेज टॉपिक इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स मीन्स क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर मीन्स कृत्रिम रेशे, जो कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल जो रेशे होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं फाइबर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। सो लेट स्टार्ट विथ फाइबर। अ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड अ फाइबर। तो बहुत ही पतला धागा, जो कि हम कह सकते हैं बहुत सारे रेशों से मिलकर जो बना होता है, उसे हम जिससे कि कपड़े बनाए जाते हैं उसे हम कहते हैं फाइबर। तो फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक इज़ मेड बाय वीविंग, नाइटिंग और लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड कॉल्ड यार्न मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो फैब्रिक क्या होता है? जो ये फाइबर्स के धागे जो होते हैं, जब इन्हें हम बुनते हैं और बुन के एक बड़ा सा कपड़े में उसमें चेंज कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं फैब्रिक। तो फैब्रिक क्या होते हैं? जो हम पहनते हैं। सो द क्लॉथ्स वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। तो जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं वो सब फैब्रिक से बने होते हैं। नाउ द फाइबर्स कैन बी डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप्स। तो फाइबर्स भी टू ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फर्स्ट है नेचुरल फाइबर्स, सेकेंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो नेचुरल मतलब जो कुदरती खुद ही, मतलब हम किसी तरीके से केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स से जो हमें फाइबर मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, फ्लैक्स, जूट, वूल, सिल्क, ये सब हमें क्या मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। सेकंड है सिंथेटिक फाइबर। तो दे आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, तो इसे हम मैन मेड फाइबर्स भी कह सकते हैं। तो ये हम ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, तो इसलिए फॉर एग्जांपल रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, आर्कलिक, तो ये सब होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो हम आज सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कब बने, किसने किस तरीके से बनते हैं, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम पढ़ेंगे पॉलीमर क्या होते हैं और मोनोमर क्या होते हैं। तो आप पॉलीमर इज़ अ वेरी बिग मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीमर क्या होता है? बनता है बहुत सारे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो वो एक साथ मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उससे बनता है एक बड़ा मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। अब स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो द स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जब एक साथ मिलके पॉलीमर बनाते हैं उसे हम कहते हैं मोनोमर। द मोनोमर विच मेक अ पॉलीमर मे बी ऑफ अ सेम कंपाउंड और ऑफ अ डिफरेंट कंपाउंड्स। तो मोनोमर तो सेम ही कंपाउंड्स के बनते हैं, बट अगर पॉलीमर की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर्स, जो अलग अलग कंपाउंड्स के जो मोनोमर्स हैं वो जब कंबाइंड होते हैं तो उससे भी पॉलीमर बन सकता है। तो पॉलीमर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब पॉलीमर्स भी टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स। तो नेचुरल पॉलीमर्स में क्या आता है? कॉटन, वुल और सिल्क। एंड सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक में क्या आ जाता है? नायलॉन, पॉलिस्टर, आर्कलिक, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट, मेलामाइन। तो ये सब जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। मेलामाइन जो आपकी प्लेट्स होती हैं वाइट कलर की जो आती हैं, वो जो होती हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर्स की बनी होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, मतलब वो कितने कितने तरीके के होते हैं, वो हमने अभी एग्जाम्पल में पढ़ा था, हम उसके बारे में वन बाई वन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है रेयन। तो रेयन वॉज डिस्कवर्ड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century। तो 19th century के लास्ट में बना था। इट वॉज मेड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प एंड वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। तो ये जो था एक लकड़ी के जो पल्प होता है उसको केमिकल ट्रीट करा गया था, केमिकल मतलब उसे तरीके से करके उसे चेंज करा गया था इस फाइबर में। तो ये पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर था जो इन्वेंट हुआ था। तो रेयन इज सिमिलर टू द सिल्क बट इज चीपर देन सिल्क। ये सिमिलर होता है, सिल्क की तरीके से ही होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, और ये उस सिल्क से सस्ता होता है। तो सिल्क नेचुरल फाइबर होता है तो बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए हम इसको मोस्टली जगह रेयन का यूज़ होता है। तो रेयन इज़ कॉल्ड द पुअर मैन सिल्क। तो रेयन को हम पुअर मैन सिल्क मतलब गरीब आदमी का भी सिल्क कहते हैं। तो रेयन कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। तो रेयन को हम कई कलर में डाई कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स में, जिससे वो अलग अलग कलर्स में आ जाए। तो रेयन इज़ यूजली मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट एंड ड्रेस मटेरियल्स। तो रेयन के साथ हम कॉटन को मिक्स करते हैं तो उससे हम बेड शीट बनाते हैं और कुछ ड्रेस मटेरियल्स, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ड्रेस में यूज़ होते हैं, तो हम रेयन का उस तरीके से यूज़ करते हैं उसमें। नेक्स्ट वन इज़ नायलॉन। तो नायलॉन वॉज मेड इन 1931। तो नायलॉन जो होता है वो 1931
वन में बना था। ये जो नायलोन है ये नाम कहाँ से आया था, तो नायलोन जो नेम है वो न्यूयॉर्क और लंदन से आया था। तो NY जो है नायलोन का वो न्यूयॉर्क से आया था, ड्राइव हुआ था, और लंदन से आया था LON, तो नायलोन इस तरीके से इसका नाम रखा गया। तो नो इंग्रेडिएंट फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स वॉज यूज इन मेकिंग नायलोन। तो कोई भी प्लांट और एनिमल्स का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं थी जो उसको नायलोन बनाने में यूज़ करी गई हो। तो इट इज़ मेड फ्रॉम कोल, वाटर और एयर। तो ये बना था कोल से, कोयले से, वाटर से और हवा से। तो हैंस नायलॉन इज़ द फर्स्ट ट्रूली सिंथेटिक फाइबर। तो नायलॉन को हम ये कह सकते हैं जो पहला सिंथेटिक, सही में सिंथेटिक जो फाइबर था पहला, उसे हम कहते हैं नायलॉन। तो नायलॉन इज़ स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड इलास्टिक। नायलॉन जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत हल्का होता है और बहुत ही इलास्टिक नेचर का होता है। इट इज़ लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। ये बहुत ही मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं चिकना होता है और इसे हम ईजिली वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं। नायलॉन यूज्ड इन मैनी आर्टिकल्स लाइक सॉक्स, बैग्स, टूथब्रश, रोप, स्नीकर्स, पैराशूट एक्सेट्रा इसमें यूज़ होता है। फॉर द सेम थिकनेस अ नायलॉन थ्रेड इज़ स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। मतलब हम ये कह सकते हैं नायलॉन का जो धागा होता है, थ्रेड होता है, वो अगर जितना मतलब स्टील का वायर, कोई हम एक स्टील का वायर ले लेते हैं, उसी की मोटाई का, उसी की थिकनेस का हम अगर एक नायलॉन का धागा ले लेते हैं, तो वो स्टील के वायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, मतलब ज़्यादा मजबूत होता है अगर उतना ही हेल्थ थिकनेस का हो तो। नेक्स्ट वन पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज़ मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। तो पॉलिस्टर कब बनाया जाता है, बहुत सारी केमिकल्स का लगातार यूज़ होता है, उसे हम कहते हैं ईस्टर, तो उससे बनता है पॉलिस्टर। तो टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर विच इज़ यूज्ड इन ड्रेस मटेरियल। तो टेरिलिन एक बहुत पॉपुलर पॉलिस्टर है जिसका ड्रेस मटेरियल में, कपड़ों में यूज़ होता है। तो PET पॉलीइथिलीन टेरीपैथिलेट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर। इट इज़ मेड ऑफ मेकिंग फॉर मेकिंग बोटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म, वायर्स एंड मैनी अदर आइटम्स। तो PET जो होता है एक और एग्जाम्पल है पॉलिस्टर का, जिससे बोटल्स बनाई जाती है, बर्तन बनाए जाते हैं, फिल्म्स बनाई जाती हैं, वायर्स बनाए जाते हैं और भी अलग आइटम्स बनाए जाते हैं। तो पॉलिस्टर फैब्रिक डू नॉट रिंकल ईजली एंड आर ईजी टू वॉश। तो पॉलिस्टर में कभी भी सिकुड़न नहीं आती, मतलब सिकुड़ता नहीं है जल्दी, और वो मतलब ईजिली हैंड वॉश होता है, वो आराम से हम वॉश करते हैं। नेक्स्ट वन आर्कलिक। आर्कलिक रीअसेंबल्ड वूल एंड हैंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक वूल। तो आर्कलिक जो होता है वो वूल की तरह से ही अपने आप को असेंबल कर लेता है, और ये जो होता है इसलिए हम इसे सिंथेटिक वूल भी कहते हैं। तो इट इज़ अ चीपर, ये बहुत सस्ता होता है, मोर ड्यूरेबल होता है वूल से, एंड इज़ ईजियर टू वॉश एंड मेंटेन। तो इसे धोना और पहनना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल वूल। एंड नेक्स्ट लास्ट वन स्पेंडेक्स। तो स्पेंडेक्स क्या होता है, इसे हम लाइक्रा भी कहते हैं। तो इट इज़ अ लॉन्ग चेन सिंथेटिक पॉलीमर फाइबर। ये बहुत लंबी चेन होती है सिंथेटिक पॉलीमर फाइबर की। ये बहुत सॉफ्ट होता है, रबर लाइक मटेरियल होता है, एंड अलाउज़ द फाइबर टू स्ट्रेच अ लॉट एंड देन रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप। मतलब ये ऐसी चीज फैब्रिक होता है जिसे हम इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, और फिर से ये क्या करता है, स्ट्रेच होने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप में वापस लौट आता है। तो द हाईली इलास्टिकसिटी ऑफ द फाइबर मेड फ्रॉम दिस फाइबर इज सुटेबल फॉर मेकिंग क्लॉथ विच रिक्वायर अ बॉडी हगिंग फिट लाइक स्विमिंग कॉस्ट्यूम, अंडर गारमेंट एंड शर्ट एक्सेट्रा। तो ये जो स्पेंडेक्स होता है ये ऐसे गारमेंट्स के में यूज़ होता है जो इजिली स्ट्रेच हो, जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स होते हैं, अंडर गारमेंट्स होते हैं, शर्ट्स होती हैं, कुछ बॉडी फिट जो फैब्रिक्स होते हैं जिनसे स्ट्रेच हो सके ईजिली, ऐसे फैब्रिक्स जो होते हैं वो स्पेंडेक्स से बनते हैं, जिसे हम लाइक्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स की क्या क्या अच्छाई है, मतलब क्या क्या गुण है इसके, करेक्टरिस्टिक्स है। तो दे आर लेस एक्सपेंसिव, ये बहुत सस्ती होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है। दे आर रेडिली अवेलेबल, ये बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाती है। दे कैन बी ईजिली वॉश्ड, इसे आराम से धो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती धोने में। दे आर ईजी टू मेंटेन, तो इसे मेंटेन करना भी ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। तो इसलिए हम मोस्टली सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ करते हैं। सो हेयर वी एंड विद दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट advantages and disadvantages of synthetic fibers. Thanks for watching this video. Please hit like and share this video, and don't forget to subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir. Thank you so much.